देश एवं प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दिया ज्ञापन। युवा कांग्रेस गंज बासौदा ने देश एवं प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम प्रेषित किया, लेकिन जब अनुविभागीय अधिकारी ज्ञापन लेने उपस्थित नहीं हो पाए तो पूर्व कांग्रेस विधायक कार्यालय के बाहर ज्ञापन चस्पा कर चले गए। ज्ञापन देने के पश्चात शहर के मुख्य चौराहे पर पकौड़े तल कर विरोध किया गया। उनकी विभिन्न मांगों के अनुसार युवाओं को 10,000 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता दिया जावे एवं सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति की जावे, निजीकरण बंद करने की मांगे रखी। मांगे नहीं माने जाने पर नेशनल यूथ कांग्रेस द्वारा आगे की योजना बनाई जावेगी और आंदोलन और बड़े स्तर पर किया जावेगा, ऐसा पूर्व विधायक ने बताया। रैली निकाल कर ज्ञापन देने आए थे, ये पूरा मामला क्या है और क्यों ज्ञापन देना चाहते? आजाद भारत के बाद देश की पहली सरकार है जो झूठ बोलती है, देर तक बोलती है, हमेशा बोलती है, और इसमें हमारे कुछ मीडिया घरानों का भी बहुत बड़ा हाथ है। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से, यदि आपके चैनलों में जरा सी भी नैतिकता बची है तो आप भी हमारी ओर से और युवाओं की ओर से मोदी जी से कुछ सवाल करिए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने के नाम पर आई हुई सरकार, 6 साल हो गए, 7वां साल चालू है, 7 × 14 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, रोजगार मिलना तो दूर, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां छीनी गई हैं। और उन्होंने कह दिया पान बेचो, पंचर जोड़ो और पकोड़ा तलो। क्या जिनके बच्चे MBA, BBA और तमाम टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे किसी भी तरह की एजुकेशन हो, में पढ़ के जा रहे हैं, उनके पास आज रोजगार नहीं है? वह हताश है, परेशान है, और इसलिए देश में आत्महत्या की दर बढ़ रही है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि युवाओं को रोजगार दे, और नहीं तो 10,000 रुपए प्रति माह का उनको बेरोजगारी भत्ता दे, नहीं तो बोलें कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठे जुमले छोड़ते हैं, या तो वो स्वीकार कर लें। इन्हीं मांगों को लेकर पूरे देश में आज राहुल गांधी जी के निर्देश पर और मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस आज इस तरह का आंदोलन कर रही है। क्या नाम दिया है इस आंदोलन को? रोजगार दो। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो आज के दिन ये कार्यक्रम क्यों रखा गया? आज के दिन इसलिए कार्यक्रम रखा गया कि 17 सितंबर उनका जन्मदिन है। पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और हमसे हमारी उनसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि हे देश के प्रधानमंत्री, आज ही सही बोल दो, और आज ही सच बोलने के अलावा गजट में नोटिफिकेशन भी कर दो कि हम बेचेंगे नहीं कुछ, ना रेल बेचेंगे, ना हवाई जहाज बेचेंगे, ना एयरपोर्ट बेचेंगे, ना LIC बेचेंगे, ना बैंकों को बेचने की तैयारी करेंगे, हम बेचेंगे कुछ नहीं, हम बनाएंगे। अरे 70 साल में जो हमारे बुजुर्गों ने और कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, उसको जो एक एक करके बेचने का काम ये सरकार कर रही है, आज कम से कम वो यही घोषणा कर दें कि हम कुछ बेचेंगे नहीं, और जो है उसको रखकर उसमें हम अपने ही देश के युवाओं को रोजगार देंगे। और झूठ बोलने के पहले एक बार और तय करें कि उनको कितनी झूठ बोलना है, और रक्षा मंत्री को कितनी झूठ बोलना है, पार्लियामेंट में कितनी झूठ बोलना है। चाइना के मुद्दे को लेकर मैं बात भी कर रहा हूँ। धन्यवाद।